महानगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को कालीमंदिर से गणेश चौराहा होते हुए विजय चौक, बैंक रोड, टाउन हॉल तथा इंद्रावाल बिहार तक महा चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुल 600 गाड़ियों का चालान किया गया और 1,36,000 रुपए नगद जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि सड़क के दोनों किनारे लोग अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, उससे जाम लगने की संभावना बनी रहती है, जिसके लिए शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने महाअभियान चलाकर सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों का चालान किया तथा बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के जो भी वाहन चलाते नजर आए उनका भी चालान काटा गया। जिसके संबंध में SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया कि जो लोग अतिक्रमण कर लेते हैं या वाहनों को सही तरह से पार्किंग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी किया गया कि अतिक्रमण ना करें, अपने निर्धारित सीमा में ही अपना व्यवसाय कार्य संपादित करें, जिससे अन्य नागरिकों को कोई परेशानी ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे। इस दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर अख्तियार अहमद अंसारी, मनोज कुमार सहित ट्रैफिक के अन्य कांस्टेबल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, ¡Gracias!
यहाँ साइड में बैठो। क्या चाहिए? दीवार में सारे लगा हटाइए भैया, ट्रैफिक के संबंध में जो यातायात नियमों का सम्यक पालन कराने के संबंध में और साथ ही साथ ट्रैफिक जो है रेगुलेट करने के संबंध में एक अभियान चलाया गया। चौराहों के आसपास जाम की स्थिति ना बने और जिन स्थलों पर जो है जाम की स्थिति बनती है और जो जो लोग उसका वायलेशन करते हैं या अतिक्रमण कर लेते हैं या वाहनों को सही तरीके से पार्किंग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध EMB एक्ट में चालान की भी कार्रवाई आज संपादित कराई गई और साथ ही साथ PA सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया कि चौराहों के आसपास या सड़क के किनारे जो है अतिक्रमण ना करें, अपने निर्धारित सीमा में ही अपना व्यवसाय एवं कार्य संपादित करें, साथ ही साथ आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और ट्रैफिक भी हमारा स्मूथली चलता रहे। सर, अतिक्रमणकारियों को क्या निर्देश दिया गया? अतिक्रमणकारियों को यही बताया गया कि अपने निर्धारित सीमा में ही रहें और जो है अतिक्रमण ना करें, अन्यथा यदि अतिक्रमण पाया गया पुनः से तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।